हेलो फ्रेंड, गिलिंगी किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बना रही हूँ गाजर और हरी मिर्च का अचार। और इसे बनाने के लिए मैंने गाजर को पहले से छीलकर साफ़ कर थोड़ा सा सुखा लिया है। यहाँ पर मैंने लिए खारे मसाले। अब यहाँ पर देखिए, गाजर को मैंने पहले से हल्का सा सुखा लिया है, पानी नमी नहीं रहनी चाहिए उसमें, तो अचार ख़राब हो जाएगी। अब जो सूखे मसाले मैंने लिए हैं, सौंफ, जीरा और कलौंजी, मंगरेला है और पीली वाली सरसों है और काली वाली सरसों है और काली मिर्च और थोड़ा सा जीरा मेथी लेना है आपको। यहाँ पर देखिए, इसे रोस्ट करना है, हल्का रोस्ट करना है, ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है हमें इसे, नहीं तो ये जल जाएगी तो मसाले का स्वाद बिल्कुल अच्छा नहीं आएगा अचार में और अचार भी अच्छी नहीं बनेगी। तो यहाँ पर देखिए, ये चटकने लगा है, ये देखिए चटक रहा है, दिखाई दे रहा होगा आपको, तो ये भून गया है। अभी मैं यहाँ पर गैस के फ्लेम को ऑफ़ कर दे रही हूँ और इसे चलाती रहूँगी और साइड कर लूँगी ताकि ये मसाले जले नहीं। आप इसे थाली में भी निकाल सकते हैं ठंडा करने के लिए। यहाँ पर ये ठंडी हो गई है, अभी मैं इसे पीस लेती हूँ। तो इसे बहुत बारीक नहीं पीसना है, थोड़ा सा मोटा पीसना है, देख सकते हैं थोड़ा सा मोटा ही है। कढ़ाई में मैं तेल डाल दी हूँ, सरसों की तेल है ये। यहाँ पर आधी कटोरी मैंने तेल डाल दी है यहाँ पे। और यहाँ मैंने 300 ग्राम गाजर लिया था। तो यहाँ पर देखिए, तेल को अच्छे से गर्म करना है। यहाँ पर धुआं दिख रहा होगा आपको, तेल अच्छे से, सरसों के तेल गर्म हो गई है। तो मैं अब इसे क्या करूँगी, गैस के फ्लेम को यहाँ पर ऑफ़ कर दे रही हूँ। अब इसमें मैं डाल दूँगी थोड़ी सी पंचफोरन। तो पंचफोरन डालने से फ्लेवर जो है बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालें, नहीं तो नहीं भी डाल सकते हैं। पंचफोरन डालते हैं तो इसमें सौंफ है, कलौंजी है, मेथी है, जीरा है, अजवाइन है, ये सब बहुत ही अच्छा फ्लेवर देता है अचार को। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर डाला है, इसे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। यहाँ पर गैस की फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया है। अब इसी तेल में ये अच्छे से, क्योंकि तेल बहुत ज़्यादा गर्म थी तो ये जो मैंने डाला है फ़ौरन, वो अच्छे से कलर आ गया है उसमें। अभी मैं इसमें हींग डाल दे रही हूँ। बहुत ज़्यादा तेल गर्म हो तो हींग पहले नहीं डालना है आपको, नहीं तो हींग बहुत जल्दी से पाउडर होती है, वो जल जाएगी। यहाँ पर देखिए, मैंने हींग डाल दिया है, तेल अभी गर्म है, हल्का गर्म है। अभी मैं इसमें डाल दूँगी गाजर को। तो यहाँ पर गर्म, हल्का सा गर्म है तो इसमें मैं गाजर को डाल रही हूँ और हरी मिर्च को। यहाँ पर आप गाजर के साथ हरी मिर्च ज़्यादा भी रख सकते हैं। चलिए, मैंने यहाँ डाल दिया है, अभी मैं इसे चला लेती हूँ अच्छे से। यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने फ्लेम को पहले ही से ही ऑफ़ कर रखा है, तेल गर्म करके ही ऑफ़ कर दिया था। अब इसे आपको चला लेना है तेल में, गाजर को। अभी मैं इसमें डालूँगी सूखे मसाले जो मैंने पीसे हैं वो। तो यहाँ पर मैंने चला लिया है गाजर को तेल में, तेल अच्छे से सारी गाजर में मिक्स हो गई है। अभी मैंने इसमें पाउडर डाल दिया है, जो मैंने मसाले, सूखे मसाले पीसे थे भूनकर। अभी मैं इसमें डाल रही हूँ लाल मिर्ची पाउडर, अपने स्वाद के अनुसार डालिए। तीखा चटपटा बनाना चाहिए तो ज़्यादा डालिए। यहाँ मैंने डाली है 1 चम्मच हल्दी पाउडर। यहाँ कश्मीरी लाल मिर्च मैं डाल रही हूँ और इन सबको अच्छे से चला लेना है आपको। मैंने यहाँ पर धनिया का पाउडर, मतलब धनिया मैंने भुना नहीं था, मैं यहाँ पर धनिया का पाउडर डालूँगी। और यहाँ देखिए, मैंने नमक डाल दिए स्वाद के अनुसार, तो मैं इसमें धनिया का पाउडर भी डालूँगी। तो पहले मैं इन मसालों को अच्छे से चला लेती हूँ। ये सब अच्छे से चला लेना है। खारा धनिया जो होता है ना, वो है आपके पास में तो उसे रोस्ट कर लीजिएगा साथ में। यहाँ मैं डाल रही हूँ 1/2 चम्मच से थोड़ा ज़्यादा अमचूर पाउडर, यहाँ पर थोड़ा सा 1/2 चम्मच के करीब में धनिया का पाउडर। तो चलिए, इन सब अच्छे से मिला लेते हैं मसाले के साथ गाजर में। तो ये देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा सा अचार गाजर का बनकर तैयार हो गया है। यहाँ पर देखिए, मिक्स हो गया है, तेल भी बिल्कुल सही है इसमें। अभी इसे मैं आपको दिखा देती हूँ, थोड़ी देर के लिए, 1 दिन के लिए मैं इसे धूप में डाल दूँगी और उसके बाद शीशे के जार में आप इसे भर कर रख दीजिए। और धूप भी दिखा सकते हैं 2 दिन के लिए शीशे के जार में रख कर, और उसके बाद आराम से खाइए। 2 दिन के बाद ये थोड़ी खट्टी हो जाएंगी और खाने में बहुत ही मज़ा आएगा। तो यहाँ पर देखिए, अचार ये है बनकर पूरी अच्छे से तैयार हो गई है। तो आप इस तरीके से ज़रूर बनाकर एक बार ट्राई कर देखिएगा। और मेरे चैनल पर पहली बार है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड देखिए, ये अचार बिल्कुल रेडी है बनकर, बस 2 दिन के बाद ये खाने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैं इसे धूप में डाल दूँगी और उसके बाद ये अचार थोड़ी थोड़ी खट्टी हो जाएगी और फिर खाने का बहुत अच्छा लगता है। तो इसे बनाइए अपने घर में, बच्चे लोग सब भी बहुत पसंद करते हैं। तो इस तरीके से आप गाजर का अचार ज़रूर बनाइए अपने घर में। और गाजर जब भी लाएँ अचार बनाने के लिए तो फ्रेश लाएँ और उसे अच्छे से साफ़ करके छिलका उतार कर काट कर अच्छे से थोड़ी देर के लिए सूखने दो, उसके बाद अचार बनाइएगा, अचार ख़राब नहीं होंगी।